देश में नागरिकता देने का कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होते ही 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। इस कानून से भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। इस कानून में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं जाता। यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। इसलिए किसी भी भ्रामक प्रचार या किसी के सियासी एजेंडे से आपको सावधान रहना चाहिए। इस कानून का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, यानी भारतीय मुसलमानों को CAA से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पंथ निरपेक्ष कानून। कानून का विरोध करने वालों का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि इस कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इस कानून का मतलब पंथ निरपेक्षता अथवा किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है। इस कानून में उनके लिए व्यवस्था की गई है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाले गैर मुसलमान, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध भारत की ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए दुनिया भर में 56 से ज्यादा देश हैं जहां उन्हें नागरिकता मिल सकती है। वास्तव में नागरिकता संशोधन कानून CAA का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। यह कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें।